हेडलाइंस की बात, चलिए रोक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार कांग्रेस जहां केंद्र सरकार की ओर से कथित तौर पर खाद की कमी और पेगासस जासूसी के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमला करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल प्रदेश में कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध के मुद्दे और जिला अस्पताल में 7 नवजात शिशुओं की मौत के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल करने की तैयारी कर रही है। इन मुद्दों को लेकर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद राज्य सरकार को उनकी मांग के अनुरूप उपलब्ध कराया था, लेकिन राज्य सरकार ने यह खाद किसानों की समिति को न देकर सीधे व्यापारियों को दिया है। इसी वजह से राज्य में नकली रूप से खाद की कमी दिखाई दे रही है। सत्र है और ये मानसून का सत्र होता है जिसमें व्यापक रूप से सबसे बड़ी समस्या जो छत्तीसगढ़ में आज दिख रही है किसानों को लेकर है, और किसानों को दिक्कत है बीज के लिए, खाद के लिए उनको न डीएपी मिल पा रहा है, न उनको सुपर फास्फेट न मिल रहा है, न उनको यूरिया मिल रहा है। पूरी तरीके से सरकार किसानों के लिए जो मदद करना चाहिए अभी तक उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, किसानों में व्यापक असंतोष है। तो एक बड़ा मुद्दा मानसून सत्र में किसानों के लिए होगा, जो किसानों के मुद्दे को लेकर होगा, और पहले दिन इन बड़े मुद्दों को लेकर हम लोग बात करेंगे। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में होने वाली अन्य घटनाएं, चाहे वो बच्चे की मौत की घटना हो, चाहे अन्य दूसरे घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं में नक्सल समस्या को लेकर भी जिस प्रकार विधायक के काफिले में अटैक हो रहा है, जिस प्रकार लगातार नक्सली अपहरण कर रहे हैं, जिस प्रकार हत्याओं का दौर चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार के विधानसभा में आएंगे। सर आपने लगा